हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या डेयरी ब्लॉग्स। अभी सुबह के 7:15 बज रहे हैं और मैं सो कर उठ गई हूँ और अभी मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं और अब मैं चल रही हूँ दूध गर्म कर रही हूँ बच्चों के लिए। दूध गर्म करने के बाद हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या द्विवेदी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। अगर मेरा ब्लॉग्स आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये है मेरा बेटा चिक्की, यहाँ भी बहुत सारा है। प्यारी दे दो तो फिर मैं उसको प्यारी दे दो दुला रही थी लेकिन नहीं हट रहा था, फिर अपने आप से हट गया। फिर बिस्तर से मैंने सब चीज़ हटाया धीरे धीरे करके, फिर बिस्तर सही करना शुरू किया। पहले बिस्तर को मैंने अच्छे से झटक दिया था, फिर बिस्तर की जो मैंने मैट्रेस लगा रखा है उसे सही किया। मैट्रेस सही कर रही थी लेकिन उधर से बच्चा मेरा कुछ ना कुछ बराबर कह रहा था। मैट्रेस सही करने के बाद फिर मैं नीचे उतरी, बेड शीट यहाँ पर नहीं थी। फिर मैं नीचे के रूम से बेड शीट लेने जाती, मुझे याद आया कि मैं तब तक मशीन में कपड़े डाल दूँ। फिर मैं मशीन में कपड़े डालने चली गई और बच्चे कमरे में मोबाइल चला रहे थे। फिर मैंने जल्दी से मशीन लगाया, मतलब एक तरफ कपड़ा धुलता रहे और फिर मैं दूसरी तरफ बेड शीट और कमरा साफ करती रहूँगी। फिर यहाँ देखे मैं नीचे कमरे से गई, बेड शीट ले आई, बेड शीट ले आकर लगाने लगी। बेड शीट में बहुत जल्दी जल्दी लगा रही थी। बहुत लोगों को पसंद होता है कि बेड शीट ऐसे अस्त व्यस्त लगा रहे, लेकिन मुझे अस्त व्यस्त वाला नहीं अच्छा लगता। मैं बहुत सही तरीके से उसको बैठाती हूँ पहले बिस्तर पर ताकि तनिक भी सिकुड़न न रह जाए बेड पर। मैं उसे लगाई, लगाने के बाद फिर मैं बच्चों के ऊपर भी अपनी नज़र रख रही थी, देख रही थी दोनों क्या कर रहे हैं। एक तो छोटे छोटे हैं ना, दोनों में एज में डिफरेंस ज़्यादा नहीं, तो आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। वही मैं उन लोगों के ऊपर भी देख रही थी कि क्या क्या कर रहे हैं। देखिए मैंने चादर अच्छी तरीके से सही कर दिया, फिर नीचे से कंबल उठाया। कंबल मैंने कहा एक बार मोड़ कर रख दूं भले दोबारा, क्योंकि ठंडी का दिन है ना तो दिन भर कंबल खोल कर सब ओढ़ते रहते हैं और बच्चे हैं तो बच्चे कुछ ज़्यादा शैतानी करते भी हैं। एक बार मैंने मोड़ कर अपने तरीके से रख दिया, फिर बच्चे चाहे उसे फैलाएं चाहे जो करें। देखिए मेरे ड्रेसिंग टेबल में भी कोई सामान नहीं है, सब कुछ बाहर निकाल कर रखा हुआ, क्योंकि बच्चे लड़ाई करते हैं ना तो आपस में निकाल के एक दूसरे को ऊपर फेंकते हैं मारते हैं। फिर मेरा बेड पूरी तरीके से व्यवस्थित हो गया था, मैंने तो पर्दे को सही किया। फिर मैं कई कमरे के बाहर से झाड़ू लेकर आई। कमरे में मेरे फोल्डिंग भी रखी हुई थी तो मैंने फोल्डिंग को हटा दिया। फिर सही तरीके से सफाई करना शुरू किया। फिर मैंने झाड़ू लगाने की शुरुआत की, झाड़ू लगाया। दिन भर में चाहे जितनी बार भी झाड़ू लगाओ ना, छोटे बच्चे हैं तो इसलिए दिन भर गंदा होता ही रहता है। चाहे जितनी बार आप झाड़ू लगाओगे थोड़ा बहुत गंदगी निकलती रहेगी। देखिए मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है लेकिन फिर भी अगर मैं अभी दोबारा फिर से लगाती ना तो फिर से थोड़ा बहुत गंदगी ज़रूर निकलती। लेकिन मैंने एक बार अपनी तरफ से सही से झाड़ू पोछा लगा दिया। फिर बच्चों का तो काम ही है दिन भर गंदा करना। एक तो इस समय बारिश भी हो रही है तो कहीं जा सकते नहीं, इस वजह से बच्चे कमरे के अंदर ही रहते हैं तो और ज़्यादा भी बदमाशी करते हैं। कि फिर मैं पोछा ले आई, जल्दी से पोछा लगाना शुरू किया। बच्चे शांति से थे तो मैंने कहा सारा काम निपटा लूँ, मैं अभी बदमाशी करने लगूँगी तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है बच्चे इतना शैतानी करते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, खाना बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बीच में फ़ोन आ गया था तो फ़ोन मैंने कट किया और बस यही सब मैं कर रही थी। यही सब करने के बाद फिर मैं नीचे कमरे में भी आई, थोड़े बहुत बॉटल्स वगैरह थे, बर्तन वगैरह। ये दोपहर का समय है, दोपहर में मैं क्या मम्मी ऊपर छत पे थी, कपड़ा निकालने गई थी, वहीं पर आग जला कर बैठी हुई थी तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी आग यहीं ले आइए। वही मैं मम्मी से कह रही थी मम्मी आग नीचे लेकर आइए, यहाँ पर आराम से बैठ कर हाथ पैर सेकते हैं। वही मम्मी लेकर आ रही थी, वही मैं सब कुछ बता रही थी कि कपड़े उपड़े भी हैं मम्मी जो है निकाल गई थी। यहाँ मम्मी आग जला ली थी, आग जला कर बैठ गई थी और कुछ अपने बारे में बता रही थी कि पहले के समय में ऐसे ऐसे होता था। वही सब हम लोग सुन रहे थे, दोनों लोग आपस में बात किए जा रहे थे कुछ ना कुछ। फिर मम्मी मार्केट गई थी, वही सब बता रही थी।
मम्मी मार्केट गई थी ना, वही बता रही थी कि ओट्स मिल रहा था, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि भैया कौन सा वाला ओट्स खाता है, मसाला वाला कि बिना मसाला वाला। तो मैंने बताया मम्मी से कि मम्मी मसाला ओट्स खाता है, नॉर्मल वाला नहीं खाता, उसे नॉर्मल वाला नहीं पसंद है। वही सब हम दोनों मम्मी और हम बात करते जा रहे थे, हाथ सिल के जा रहे थे। मेरे कमर में एक्चुअली में थोड़ा प्रॉब्लम रहती है ना, तो इसलिए मम्मी कहीं कि तुम ऊपर चढ़ कर बैठ जाओ, ऊपर आराम से बैठ जाओ, तुम सिकाई करो। वही सब कपड़े थे, इस समय तो बारिश के मौसम में कपड़े धो रहे थे जो सूखते भी नहीं हैं। वही मम्मी छत पे जो कपड़े सूख गए थे नीचे ले आई थी और आज दिखा रही थी, जो हल्के हल्के ऐसे ठंड महसूस हो रहा था उसी सब मैं आज दिखा रही थी कि अच्छे तरीके से सूख गए तो मोड़ कर रखे। एक तो बच्चों के कपड़े इतने ज़्यादा निकलते हैं, ऊपर से आज चाहता हूँ जैसे यहाँ तनिक धूप भी नहीं निकली है और बारिश भी हो रही है, वही सब कपड़े भी नहीं सूख पाएंगे बिल्कुल से। वही मम्मी आज लाई थी मम्मी का थोड़ा गर्म करके रख देते हैं, बच्चों के ठंडी में चाहे जितने कपड़े रहें कम पड़ ही जाते हैं। और आज चाहता हूँ कि उनसे बिल्कुल भी धूप आई नहीं है, तो बच्चों के कपड़े सूख भी नहीं पा रहे हैं और कपड़े की कमी होती जा रही है बच्चों के लिए। फिर वही सब है अपना नॉर्मल, हम दोनों लोग बात कर रहे हैं, सिकाई कर रहे हैं। मैं पैर सेंक रही थी ना, तो मम्मी से वही बता रही थी कि मम्मी पहले के लोग कहते थे कि आदमी पैर नहीं दिखाना चाहिए, तो वही मम्मी कह रही थी ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जो लोग ये सब बताते हैं वो लोग ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा ही करते हैं, सब हाथ में जो है बताते हैं कि नहाना जरूर चाहिए, लेकिन वो लोग नहाते वहाते नहीं, वो लोग ऐसे ही गर्म पानी करके हाथ में धो लेते हैं। वही सब हम दोनों लोग बात कर रहे थे, हाथ रहते थे ये सब जो है बताने की बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। इनमें तो 4 दिन से डालो बता दो, घुन होगा जितनी घुन है मम्मी हमारे बच्चों की वजह से दो दो तीन तीन दिन में कंघी कर पाती हैं, तो वो लोग सो रहे थे तो मम्मी कहीं मच्छर से कंघी कर लें, तैयार हो जाए थोड़ा, नहीं तो तैयार होने का मौका नहीं मिलता बच्चों की वजह से। बच्चे आजकल के बच्चे को ज़्यादा शैतान होते हैं, तो कोई काम आसानी से करने ही नहीं मिलता है। फिर भाई हम और मम्मी बैठे थे अपना बात कर रहे थे कुछ न कुछ, फिर उसके बाद मम्मी एक पड़ोसी के बारे में बता रही थी कि नवंबर से ही टोपी लगा रहे हैं ताकि ठंडी ना लगे। वही सब मम्मी कर रही थी कि ये लोग बहुत अपने सिक्योरिटी का ध्यान सब लगातार लगा रहे, चल रहा था देखिए आग कितनी अच्छी जल रही है, बहुत बढ़िया आग लग रहा था। ठंडी के दिनों में ब्लोअर भी हम चलाते हैं, लेकिन ब्लोअर नहीं चलाते जा रहे हैं क्योंकि बच्चे हैं ना, तो बराबर स्विच ऑन ऑफ करते ही जाते हैं, इसीलिए हम लोग नहीं चला पाते। और फिर आग भी नहीं जलाते, कल मम्मी ने पता नहीं कैसे अचानक से जला दिया, तो इसलिए फिर हम लोग छत से नीचे ले आए यहीं पर हाथ सेकने लगे। एमें तो डिजाइनर पायल है, उसमें भी वैसे ही है। शाम के बस गए हैं 4:30, अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। ये चाय का समय है, हम लोग चाय पियेंगे। चाय में हमने ये तुलसी की पत्ती पहले से डाल रखी है, हम गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे। मैं लाइट लगा रही हूँ, लाइट लगा दीजिए, इसमें थोड़ा मैं डालूँ थोड़ा सा तेल और मिर्च।